चमोली जिले में अभी दोपहर तक मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मुख्य कारण है कि आज तक शादियों का सीजन अपने चरम पर है। दोपहर बाद हर कहीं मतदान प्रतिशत बढ़ने के आसार हैं। सुबह जिन मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया उनमें खासा उत्साह देखने को मिला। आप भी सुनिए विभिन्न पोलिंग बूथों पर अपना वोट देने वालों की प्रतिक्रियाएं। थराली विधानसभा से भाजपा विधायक भूपाल राम टमटा ने भी अपने परिवार के साथ गृह क्षेत्र के मतदान केंद्र पर किया मतदान। इसी के साथ कौब गांव में परिणय सूत्र में बंधने से पूर्व दुल्हन ने भी किया अपने मतदान का प्रयोग। तला जो मेरा अपना बूथ है, बूथ संख्या 128 पर अपने मताधिकार का मैंने प्रयोग किया है और आज मेरे गांव के लोग, मेरे परिवार के लोग यहां पर मतदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह की जो मैं देख रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है ये मेरा सब लोगों से, अपने क्षेत्रवासियों से विशेष मेरा ये आग्रह, अपील और अनुरोध भी है कि आप अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करके एक बेहतर सरकार, एक बेहतर प्रशासन के लिए आप अवश्य मतदान करें। कर दिया और मेरा सभी से अनुरोध है, गुजारिश है, अपने मत का प्रयोग कीजिए। इस बेला पर हम बड़े खुश हैं कि हमको राष्ट्रहित के लिए मतदान करने का मौका मिला है। राष्ट्रहित में अपना मत का प्रयोग अवश्य कीजिए और एक मजबूत सरकार के लिए, एक मजबूत राष्ट्र के लिए आपका मतदान बहुत ज़रूरी है और इसी मतदान के तहत आप एक मजबूत सरकार अपने लिए चुन सकते हैं और एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आप अपना एक योगदान दे सकते हैं। इसलिए मत दें, वोट दें। राष्ट्रहित के लिए मतदान बहुत ज़रूरी है और हमने सोशल मीडिया के मत का प्रयोग कीजिए और एक मजबूत सशक्त सरकार को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान आप अपने वोट के माध्यम से दे सकते हैं।